अच्छा, अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स. देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंपाउंड है वॉटर, ठीक है. आपने क्या करना है, उसको डिकम्पोज करना है. तो आप क्या करोगे, वाटर लोगे, वाटर से आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे, है ना. ये वाटर है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हो. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो जो आपका वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज. हमने देखा था ना इलेक्ट्रोलिसिस में, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है. तो यही है कि हम अपने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करके उसमें जो केमिकल इफेक्ट क्रिएट होते हैं उससे हम अपने कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं. ये तो हो गया वाटर की डिकम्पोजिशन. जो आपका था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास की थी, तब भी हमने क्या देखा था, इसमें इन दोनों की डिकम्पोजिशन हुई थी, है ना, कि Cu2+ अपना स्प्लिट अप हो गया था और SO4⁻ अलग से स्प्लिट अप हो गया था, ठीक है. यही थी आपकी क्या बच्चे, इसकी एप्लीकेशन. तो यही था आज का आपका सारा ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आपका यही सब था. तो अभी हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. चैप्टर में यही सब था आपका, ठीक है. चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया. अब से हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं, जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं. चलिए बच्चे, आपका एक क्वेश्चन है कि जब जो आपके फायरमैन आते हैं ना, फायरमैन आग बुझाने वाले, तो जब वो आग बुझा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये आग है, जैसे जब वो आग बुझा रहे होते हैं, वाटर जब वो फेंकते हैं पाइप से, तो उससे पहले वो क्या करते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसको ऑफ कर देते हैं. इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या कर देते हैं, वो शट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं पानी फेंकने से पहले. अब वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बच्चे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वाटर होता है ना, वाटर वो क्या करता है कि वाटर जो होता है आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उस चीज़ को कि वाटर फेंकने से कहीं इलेक्ट्रिसिटी और ना, मतलब आग और ना भड़क जाए और इलेक्ट्रिसिटी ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए वो क्या कर देते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए कि वाटर, मतलब कि पानी फेंकने के बाद कहीं इलेक्ट्रिक करंट फिर से जनरेट ना हो जाए और आग और ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या कर देते हैं, शट ऑफ कर देते हैं, ठीक है. चलिए अब बच्चे नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज विद अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अ आयरन टैप एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है. अब बच्चे देखो, इन्होंने कहा है कि जब आपका ये कौन सा इफेक्ट है कि आप क्या करते हो, थिन लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल कि आपने क्या करना है, क्रोमियम मेटल को डिपॉजिट करवाना है ऑन एन आयरन टैप, ठीक है, एक आयरन का टैप है उस पर आपने क्या करना है, क्रोमियम मेटल को डिपॉजिट करवाना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट होगा, तो बच्चे उसके लिए होगा आपका इफेक्ट केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है. कौन सा इफेक्ट होगा, जब आपने आयरन टैप के ऊपर क्रोमियम मेटल को डिपॉजिट करवाना होगा, तो उसके लिए जो इफेक्ट होता है वो होता है आपका बच्चे केमिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है. और जो प्रोसेस होती है उसको बच्चे हमने क्या बोला था, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये हमने पढ़ लिया हुआ है कि एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिशन करवाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है. और उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट है, उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है. अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर ऑन एन आयरन, मतलब कॉपर की अगर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी आयरन के ऑब्जेक्ट पे, तो विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड टू द आयरन ऑब्जेक्ट. चलो अब बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है पैनिक का, पी ए
NIC. इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव एनोड. पॉजिटिव इज फॉर एनोड एंड नेगेटिव इज फॉर कैथोड. नेगेटिव फॉर कैथोड. और मैंने आपको क्या बोला था बच्चे, जिसके ऊपर हमने डिपोजिशन करवानी है वो हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? वो हमेशा आपका कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है. और जो कोटिंग होती है, जिसकी कोटिंग करवानी होती है, वो हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? आपका पॉजिटिव के साथ. देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये मेटल है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है, वो होता है आपका कैथोड. कैथोड क्या आपका? नेगेटिव. एंड द वन विच इज यूज फॉर कोटिंग, यूज फॉर कोटिंग, उसको आपने क्या करना है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट, दैट इज एनोड. तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by chemical effect of electric current. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है, ठीक है, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अच्छा क्या होता है, हमने क्या बोला था, जैसे मैंने कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिया, जब उसमें से ये एक सॉल्यूशन है, जब उसमें से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जब एक किसी सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसमें, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में. तो उसी इफेक्ट को क्या बोलते हो आप, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोला मैंने, कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द कंडक्टिंग सॉल्यूशन, उसको आप क्या बोलोगे, क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो ना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो आपकी इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में कुछ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनको बच्चे आप क्या बोलते हो, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, है ना. कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको आप बोलते हो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद कुछ इफेक्ट केमिकली क्रिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये तो आपको पता ही, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, ठीक है, इसकी फॉर एग्जाम्पल क्या है इसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. चलिए अब अच्छा उन्होंने बोला है कि दो एप्लीकेशन बताओ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. एप्लीकेशंस क्या है आपकी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, कि एक तो जब आप क्रोमियम की प्लेटिंग करते हो मेटल बॉडीज पे, फर्स्ट क्या आपका, एक तो होता है आपका क्रोमियम प्लेटिंग, है ना, जब आप करते हो मेटल बॉडी पार्ट्स पे, जैसे आपकी कार्स पे होती है, बाइक्स पे होती है, ठीक है, और सेकंड है आपकी, या फिर जब आप गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करते हो, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर की जब आप प्लेटिंग करते हो, वो भी क्या है इसकी एग्जांपल है. अब नेक्स्ट है बच्चे आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. चलो बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अब आप वो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अब आयंस में स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है, कि जब आप एक कंडक्टिंग स्टेट से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो तो उसमें क्या होता है, आपके आयंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस या फिर
नेगेटिव आयंस, ठीक है, एच टू ओ होता है ना, एक होता है पॉजिटिव आयंस में क्रिएट हो जाता है और एक नेगेटिव आयन में डिसोसिएशन हो जाती है जब आप क्या करते हो करंट को पास करवाते हो, ठीक है। आयंस मीन्स चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपकी ये होती है। अब बच्चों उन्होंने बोला है कि कोई एक ऐसे तीन सब्सटेंस बताओ जिस पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब जब आप करंट उसमें से पास करवाते हो उन सब्सटेंसेस से तो उसमें कुछ केमिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चे एक तो हो गया आपका वाटर, दूसरा होता है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, कि इनमें से करंट पास करवाएंगे तो उनमें से कुछ केमिकल इफेक्ट क्रिएट होगा, और थर्ड होता है बच्चे आपका विनेगर, ठीक है। विनेगर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से आपकी केमिकल इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब बच्चे नेक्स्ट है आपका कि हाँ, अब बच्चे नेक्स्ट है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है। ये कह रहे हैं कि जब करंट पास करती है तो बल्ब जो है वो ग्लो क्यों करता है। अब आपको पता है कि जब आपका कोई सर्किट है वो क्लोज्ड होगा, सर्किट बिल्कुल कंप्लीट होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, करंट तभी फ्लो करती है जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा। तो द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बिकॉज इट कंप्लीट द सर्किट व्हेन पुट इन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन एंड द कंडक्टिंग सॉल्यूशन हेल्प्स टू ग्लो द बल्ब। बिल्कुल, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, स्विच क्लोज्ड है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है। तो अब क्या होता है कि जब आपका करंट वहाँ से फ्लो करता है तो आपका जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है ना, स्विच क्लोज होता है बैटरी से, तो जो आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है अगर वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करने देगा अपने आप से, है ना, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो जो यहाँ पे आपका बल्ब लगा होगा वो भी क्या होता जाएगा, ग्लो हो जाएगा। मतलब कंडक्टिंग सॉल्यूशन ही उसको हेल्प करता है ग्लो करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही पूछा हुआ है उन्होंने। फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम मेटल मेक्स इट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्रोमियम मेटल जो है उस वो क्या है, एक तो शाइनी अपीयरेंस रखती है, आपने लिखना है कि क्रोमियम मेटल आपने क्या लिखना है कि क्रोमियम मेटल इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके ऊपर, कार बम्पर्स पे करते हैं हम इसकी, फिर उसके बाद बाथ टैप पे करते हैं, आपके जो बाईसाइकिल के हैंडल्स होते हैं ना उन पे हम क्या करते हैं, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, आयन के, मेड ऑफ आयन, ठीक है। क्यों करते हैं हम क्रोमियम मेटल की कोटिंग, क्यों, क्योंकि बच्चे जो ये चीज़ होती है ना ये आपकी बनी होती है आयन से, और आयन जब ओपन, आयन को हम जब ओपन रखते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम आयन को ओपन रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि आयन को ओपन रखने से क्या होता है, आपका आपका क्या होता है, रस्ट लग जाता है, ठीक है। तो रस्ट से बचाने के लिए क्रोजन रेजिस्टेंट करते हैं किस से, हम क्रोमियम मेटल से, और आपका एक शाइनी अपीयरेंस आ जाता है किससे, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। इससे क्या होता है, एक तो करोजन नहीं होता है, ये करोजन रेजिस्टेंट होता है, सेकंड गिव्स शाइनी अपीयरेंस, गिव्स शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। तो ये था आपका किसका, क्रोमियम मेटल को यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्लियर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका वही है जो हमने कल देखा था कि आयन की की है, है ना, हमने आयन की ली थी, और यहाँ पे हमने एक कॉपर मेटल ली थी, और हमने क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करके जो कॉपर मेटल है वो किस पे डिपॉजिट हो जाती थी, आपकी आयन मेटल पे, है ना, कि हमने यहाँ पे क्या किया था, आयन के ऊपर कॉपर मेटल की क्या की थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी,
ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, हमने कल ये अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चे यही है आपका सारा क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट, और बाकी जो आपके जितने भी क्वेश्चन जो थे इसमें आज के वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। बच्चे कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।